व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्टीमेट का जलवा। मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रेशर स्विच कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने अभी बॉक्स ओपन किया प्रेशर स्विच का। ओके, तो ये प्रेशर स्विच है। ओके, और बॉक्स में क्या, ये मैनुअल है। तो ये प्रेशर स्विच है, देख सकते हैं प्रेशर स्विच। यहाँ पे जो है रेंज वगैरह लिखा रहता है 3.2 से 68.9 बार इसका जो है रेंज है। ओके, तो आज हम इसको कैलिब्रेशन करेंगे, तो बताता हूँ कैसे कैलिब्रेशन करते हैं और किस तरह कनेक्शन वगैरह करते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं इस प्रेशर स्विच को। तो देख सकते हैं जैसा कि प्रेशर स्विच ये हाई में यूज़ होगा, इसलिए जो है 68.9 बार है। और लो प्रेशर स्विच भी आता है। ओके, लो रेंज का, जो कि लो रेंज के लिए यूज़ होता है, फॉलिंग के लिए। ओके, तो चलिए इसको ओपन करता हूँ मैं। ये ओपन हो गया, ये देख सकते हैं, ये जो है इनसाइड व्यू है अंदर का प्रेशर स्विच में। जैसा कि किसी भाई ने कमेंट भी किया था अभी कुछ टाइम पहले कि प्रेशर स्विच के अंदर जो है एनओ और एनसी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, कॉमन एनओ एनसी कौन सा उसका टर्मिनल है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं इधर ऑलरेडी इधर मेंशन किया हुआ रहता है। इधर देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है एन ओ। ओके, और ये सेंटर में ये कॉमन और ये जो है एन सी। ओके, तो ऑलरेडी इसमें जो है मेंशन किया हुआ रहता है कौन सा एन ओ है, कौन सा एन सी है, कौन सा कॉमन है। बट अगर आपको ऐसे भी आइडेंटिफाई करना है तो मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, मल्टीमीटर से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये कॉमन और ये एनसी। ओके, जब कॉमन एनसी दोनों को जब प्रोब लगाएंगे तो ये नॉर्मली क्लोज है, एनसी है, तो ये दोनों में कंटिन्यूटी मिलेगा। ओके, और ये जो है कॉमन एनओ है ये नॉर्मली ओपन है, जब ये दोनों में कंटिन्यूटी करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगा क्योंकि ये ओपन लूप है। ओके, तो ऐसे भी हम जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसका प्रेशर स्विच का एनओ एनसी। लेकिन बट ये जो है ऑलरेडी मेंशन होता है इधर एन सी कॉमन एन ओ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। ओके, तो हम इस तरह इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रोसेस बताता हूँ प्रेशर स्विच को कैलिब्रेशन करने में क्या क्या टूल्स वगैरह चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें प्रेशर स्विच चाहिए। ओके, तो कुछ फिर और जो है स्पानर जो है ये टूल्स वगैरह, जो स्पानर चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, मल्टीमीटर चाहिए। ओके, और जो है टेपलॉन चाहिए, अगर फिटिंग वगैरह नहीं है तो उसके लिए फिटिंग चाहिए। ओके, तो ये तो हमारा टूल्स हो गया रेडी। तो चलिए कैलिब्रेशन जो है स्टार्ट करते हैं। इसी तरह वीडियो में हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ सेफ्टी प्रोसीजर जो फॉलो कर लेते हैं। तो मैं हैंड ग्लव्स पहन लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं रेडी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं हैंड ग्लव्स जो है पहन के रेडी हूँ। ओके, तो ये हमारा हैंड पंप है, हैंड पंप भी चाहिए कैलिब्रेशन के लिए, हैंड पंप प्रेशर अप्लाई के लिए, या फिर डायरेक्ट कैलिब्रेटर हो तो उससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात के अगर जो है आप प्रेशर स्विच को कैलिब्रेशन कर रहे हो तो प्रेशर स्विच को जो है वर्टिकल में होना चाहिए। ओके, क्योंकि ग्रेविटी का उस पर जो है प्रभाव पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है ग्रेविटी का, इसलिए जो है प्रेशर स्विच हमेशा वर्टिकल में ही कैलिब्रेशन करें। ठीक है, तो चलिए इसको मैं फ़िक्स करता हूँ वर्टिकल में, और फिर फिक्स करके मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, वर्टिकल में जो है मैं इसे फिक्स कर दिया हूँ, हैंडपम्प के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी मैं इसको कनेक्शन करके स्टार्ट करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कैलिब्रेशन इसका, कनेक्शन करके बताता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों,
मैंने जो है कनेक्शन कर दिया, कनेक्ट कर दिया है एक एनसी में और एक कॉमन में। ओके, क्योंकि हमें जो है राइजिंग पे कैलिब्रेशन करना है हाई प्रेशर के लिए, तो इसलिए कॉमन और एनसी यूज़ करेंगे। ओके, ये सेंटर वाला कॉमन है, ये साइड वाला एनसी है। तो देख सकते हैं यहाँ मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रहा है, बिकॉज़ एनसी है, कॉन्टेक्ट क्लोज है, इसलिए ये कंटिन्यूटी मिल रहा है, क्लोज है। ओके, नॉर्मली क्लोज है इसलिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलिब्रेशन, प्रेशर अप्लाई करते हैं। ओके, तो स्टार्ट कर दिया हूँ प्रेशर, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ 1 bar 2 bar, ये जो है प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, बढ़ रहा है 6 bar 10 bar 16 19। ओके, 21 20 27 30, ये बार जो है 32 bar है। मल्टीमीटर का साउंड ऑन किया हूँ सुनने के लिए, ये देखिए अभी जो है ये ओपन लूप हो गया। ओके, 34 और 35 bar में मैं भी ओपन हो गया। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, 42 bar चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा एडजस्ट करते हैं, और जो है थोड़ा एडजस्ट करेंगे क्योंकि 42 bar चाहिए अपना कैलिब्रेशन। यहाँ देख सकते हैं आप, ये एडजस्ट पॉइंट है, यहाँ से जो है हम इसको एडजस्ट करेंगे। ओके, तो चलिए एडजस्ट करता हूँ इसको, क्योंकि 34 ऐसा कुछ हुआ था, 34 में मैं भी हुआ था, तो थोड़ा एडजस्ट किया क्योंकि हमें 42 bar चाहिए। ओके, तो चलिए एडजस्ट किया हूँ, फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलिब्रेशन जो है दिखा रहा हूँ प्रेशर स्विच का। ओके, तो चलिए अप्लाई कर रहा हूँ फिर से। टू बार थ्री बार हो गया है, इस बार देखते हैं कितना मतलब एडजस्टमेंट हुआ है। ओके, पहले तो 34 ऐसा कुछ था, देखिए अभी 34 से क्रॉस किया है, 37 36 37 38 40, में भी लगता है कि 40 में और 39 या 40 में जो है कॉन्टेक्ट चेंज हुआ। ओके, आप मल्टीमीटर देख सकते हैं, मल्टीमीटर देखिए तो 39 में ओपन लूप हुआ। ओके, कॉन्टेक्ट चेंज हुआ, पहले 34 था मे भी, अभी 39 में। ओके, तो थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा, चलिए थोड़ा और एडजस्ट करता हूँ। ओके, थोड़ा आज क्योंकि 42 चाहिए, 42 से नीचे नहीं चाहिए। ओके, थोड़ा ऊपर रहेगा मुश्किल नहीं, 42 हाफ रहेगा तो मुश्किल नहीं। ओके, तो जो है 42 से कम नहीं चाहिए, 42 से ऊपर रहेगा 0.1 0.2 नो प्रॉब्लम। तो चलिए एडजस्ट कर दिया हूँ, फिर से अप्लाई करके जो है अपना कैलिब्रेशन चेक करेंगे, क्योंकि अपना रिक्वायरमेंट जो है 42 bar का। ओके, इसलिए सेट पॉइंट जो है अपना फिक्स करना पड़ेगा 42 से थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं चलेगा और एडजस्ट के लिए, और ज़्यादा अप्लाई हुआ वेट, फिर से थोड़ा इसको रिलीज़ करके फिर से अप्लाई करता हूँ। 30 31 32 38 40, ओके, देखता हूँ कितने पे हुआ अभी, 40 41 पे मे भी, 40 and half या 41 पे हो रहा है। थोड़ा एक बार और एडजस्ट कर लेता हूँ, मे भी इस बार लास्ट टाइम जो है अपना फाइनल हो जाएगा। तो सेट पॉइंट को थोड़ा जो है अपना एडजस्ट कर दिया हूँ, एडजस्ट किया इस बार, देखता हूँ मे भी इस बार फाइनल हो जाना चाहिए 42 bar, क्योंकि अपना कैलिब्रेशन जो है 42 bar करना है। 38 30 40 हो गया, 41 हो गया, 41 हो गया। ओके, देखते हैं 42, ओके गुड, ये नज़दीक ही हो गया, मैं भी 42 हो गया, फिर से चेक करता हूँ थोड़ा, 41 41.5, थोड़ा रह गया, थोड़ा बिल्कुल थोड़ा, चलिए हल्का बिल्कुल लास्ट एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, लास्ट थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ,
थोड़ा एडजस्ट करके बस इस बार फाइनल ही हो जाएगा। चलिए इस बार जो है फाइनल देखता हूँ, एडजस्ट कर दिया था ये 41 42 हो गया, 42.2। ओके चलेगा चलेगा, कोई नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है अपना 42.5 तक जो है रिक्वायरमेंट चलेगा। ओके 42.1 है। चलिए एक बार और जो है फाइनल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है 40.5 तक बोला चलेगा, मुश्किल नहीं है, तो इसलिए जो है आपको मोर देन 40 रखना, 42.12 होगा तो मुश्किल नहीं, 37 40। ओके 38 हो गया, 39, इस बार जो है देखता हूँ 40 41 42। ओके हाँ 41.42.1। ओके फाइनल जो है हमारा कैलिब्रेशन 42 का हो गया। तो देख सकते हैं गाइस, इस तरह जो है प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन करते हैं। मैंने आपको फुल कैलिब्रेशन बताया प्रेशर स्विच का। तो चलिए अब इसको सेट पॉइंट को यहाँ पे जो है स्क्रू को टाइट कर देता हूँ एडजस्टमेंट को, क्योंकि फिर वो बाद में जो है फिक्स रहे एक जगह पे। तो इस तरह जो है प्रेशर स्विच का कैलिब्रेशन करते हैं, फुल कैलिब्रेशन आपको मैंने बता दिया। प्रेशर स्विच सब कैलिब्रेशन हो चुका है, और क्या बोलते हैं फील्ड में जो है यूज़ करने के लिए जो है रेडी हो चुका। तो हमारा कैलिब्रेशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ये कैलिब्रेशन स्टिकर जो है मैं प्रेशर स्विच पे लगा देता हूँ, और अब प्रेशर स्विच रेडी है फील्ड में इंस्टॉल करने के लिए। तो चलिए फिर बने रहे इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू के साथ।